इस फिल्म का नाम है टोक्यो लिविंग डेड। ये एक जैपनीज ज़ॉम्बी फिल्म है और इसमें कहानी एक पॉप स्टार के अराउंड घूमती है। अगर तुम भी के-पॉप लवर हो तो तुम्हें ये फिल्म देखकर मजा आ जाएगा। इस फिल्म को देखने का डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन करके देख सकते हो। तो मूवी की शुरुआत होती है के-पॉप परफॉर्मेंस से, जहां पर एक बैंड की तीन लड़कियां पूरे ठुमके लगाते हुए नाच रही होती है। इसका नाम मीकू कमिया है। ये अपनी परफॉर्मेंस के बाद अपनी दोनों टीममेट्स को बोलती है कि तुम दोनों निकम्मी हो, एक काम तुमसे सही से होता नहीं है, तुम हमेशा ऑफ बीट डांस क्यों करती हो। अब इसके बाद तीनों आपस में डिस्कस करती हैं और इसमें ब्लू वाली टीम की लीडर होती है, लेकिन इसके बावजूद वो और दूसरी परफॉर्मर मीकू से डांट खा रही होती है। मीकू बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की होती है। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मीकू इन पर गुस्सा कर रही हो। एक्चुअली जब से ये लोग फेमस हुई हैं, तब से ये रोज चिल्ला चिल्ली करती है और बाकियों को भी डांटती रहती है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, अब निकल यहाँ से। इसके बाद एलिवेटर से एंट्री होती है ज़ॉम्बी की और वो मीकू को काट खाता है। उतने में वहाँ एक ज़ॉम्बी हंटर आ जाता है जो ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन ऐसा करने में उसको देर हो चुकी थी और मीकू इन्फेक्टेड हो जाती है। देखो, ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से शहर में फैल रहा था, लेकिन ये वायरस कंप्लीट टेक ओवर करने में 72 घंटे का वक्त लेता है, जिसका मतलब कि मीकू को ट्रांसफॉर्म होने से बचने के लिए अभी भी 72 घंटे का वक्त है और उसे अपने लिए जल्दी से कोई दवाई ढूंढनी होगी जिससे वो अपना क्योर कर सके। पैरेलली हमें दिखता है कि जापान में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में सबको 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, सो दैट वायरस कंटेन रहे और ज्यादा ना फैले। लेकिन बेवकूफ मीकू हर जगह भाग रही होती है, उसके पीछे ज़ॉम्बी भी अटैक कर रहे होते हैं, जिससे उसका फैन पुलिस ऑफिसर उसे बचा लेता है। बस इसी के साथ टीवी चैनल्स में न्यूज आने लग जाती है कि मीकू को ज़ॉम्बी ने काट लिया और टोक्यो की पुलिस उसे क्वारंटीन करने के लिए लगातार ढूंढ रही है, लेकिन मीकू क्वारंटीन नहीं होना चाहती और वो इधर उधर बचने के लिए भाग रही होती है। छिपते हुए वो एक डिटेक्टिव एजेंसी के बाहर आ जाती है। एजेंसी के अंदर जाने पर उसे एक आदमी दिखता है जो कि उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो इस पर मीकू अपना इंट्रोडक्शन देती है और डिटेक्टिव से उसके बारे में पूछती है, तो डिटेक्टिव बताता है कि उसका नाम इनुटा और ये एजेंसी उसने ही फॉर्म की है। मीकू डिटेक्टिव को उसको बचाने के लिए कहती है, जिस पर डिटेक्टिव बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। नहीं, अब मीकू वॉज रिच एंड पॉपुलर, तो वो डिटेक्टिव को अपनी अर्निंग का 10% देने का ऑफर करती है और फिर बोलती है कि यार मुझे प्लीज बचा लो। साथ ही में वो डिटेक्टिव को मैगजीन भी देती है और बताती है कि इसका क्योर इसमें ही दिया हुआ है, मतलब कि ज़ॉम्बी वायरस को ठीक किया जा सकता है। जिस पर डिटेक्टिव बताता है कि ये सभी चीज बकवास है, ज़ॉम्बी वायरस का क्योर मिला ही नहीं है। इस पर मीकू उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और घिघराने लगती है, तो डिटेक्टिव बोलता है कि 10 की जगह तुम 15% दोगी तो काम बन सकता है। अब मीकू कोई भी रास्ता ना होता देख ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और फिर डिटेक्टिव मैगजीन के पब्लिशर को कांटेक्ट करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने को कहता है। दिन बीतता है और अब मीकू को ज़ॉम्बी बनने में 59 घंटे बचे हुए थे। ये लोग पैदल चलते हुए पब्लिशर कंपनी पहुंचते हैं जो कि अब गायब हो चुकी थी। एक स्कूल जाते हुए बच्ची तभी उस जगह से गुजरती है, तो डिटेक्टिव उसे पूछता है कि बिल्डिंग कहां गई जो यहां पे पब्लिशर कंपनी की थी, तो बताते हैं कि कुछ वक्त पहले गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ जिससे पूरी कंपनी खत्म हो गई। अब ये दोनों पार्क में चले जाते हैं जहाँ एक तरफ मीकू बैठ जाती है तो वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव क्योर ढूंढने का तरीका जानने के लिए पब्लिशर को कॉल करता है। इतने में मीकू पर पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करता है पर मीकू उसे मार देती है। इतने में दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, वो मीकू को पहचान लेते हैं कि मीकू क्वारंटीन से भागी हुई लड़की है, तो मीकू को पकड़ने लगते हैं लेकिन मीकू तेजी से उन्हें मारकर छिप जाती है। फिर हम के नाम के पर्सन को देखते हैं जो उसी डिटेक्टिव का फ्रेंड होता है। वो पब्लिशिंग हाउस के उसी राइटर का इन्फॉर्मेशन देता है जिसने वायरस के क्योर के बारे में मैगजीन में लिखा हुआ था। डिटेक्टिव का दोस्त बताता है कि जो ब्लास्ट कंपनी में हुआ वो प्री प्लान था ताकि उस जगह के सभी राज साफ हो जाएं, लेकिन किसी ने उसे एक्सीडेंट रिपोर्ट किया ताकि उसके ऊपर कोई भी तहकीकात एंड इन्वेस्टिगेशन ना हो। और इसके बाद डिटेक्टिव का दोस्त के कीता नाम के एक बंदे का कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस देता है जिसने उस मैगजीन के क्योर वाले आर्टिकल को लिखा हुआ था। इसके बाद स्विच होता है और हमें पता चलता है कि जापान ज़ॉम्बी हंटर एसोसिएशन के एक बड़े लीडर ने ही ये सब एग्जीक्यूट किया है। दरअसल उसका राइट हैंड एक साइंटिस्ट था और उसी ने ये सारी चीजें प्लान की। इसके बाद हम मिलते हैं ज़ॉम्बी हंटर एसोसिएशन की बेटी से जिसका नाम होता है किरासाकी। ये बहुत ही खतरनाक लड़की होती है और ये उसी दोनों पुलिस ऑफिसर के पास होती है जिसने मीकू को देखा होता है और पुलिस वालों ने ही उसे बुलाया था। इसके बाद मीकू कहती है कि एसोसिएशन का पुलिस से ट्रस्ट खत्म हो गया है क्योंकि पुलिस किसी को ढूंढ ही नहीं पा रही और इसी वजह से पुलिस ज़ॉम्बी एसोसिएशन का हिस्सा बन गई होती है। अब एक्चुअली मीकू को पकड़ना यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और उसे पकड़ना पुलिस वालों की बस की बात नहीं है, इसलिए ये लोग किरासाकी को बुलाते हैं और साथ ही एसोसिएशन ने ये रूल ऐड कर दिया होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड दिखा तो उसे सीधा मार देना है और अब क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ किरासाकी मीकू को ढूंढने के साथ ज़ॉम्बी हंटिंग पर निकली होती है। वो तो इस फिराक में होती है कि मीकू जैसे ही मिलेगी वो उसे काट देगी, लेकिन मीकू की जगह वो बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। इधर मीकू और डिटेक्टिव राइटर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। रात में सामान बिखरा हुआ था और मीकू की फोटोज बिखरी थी जिससे समझ आता है दैट राइटर उसका तगड़ा फैन था।
अब एक पोस्टर लगा देख मीकू उस पर साइन करने लगती है, लेकिन पोस्टर के नीचे कुछ गड़बड़ पता लगती है और हटाने पर दिखता है एक रशियन मॉडल की पिक्चर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आगे उन्हें दिखता है कि इस रशियन का ब्लड ही वायरस का क्योर है। तो अब ये उस मॉडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो मिलेगी कहाँ। तो डिटेक्टिव जी उनकी डिटेल निकलवाने लगते हैं एंड पता चलता है कि ये मॉडल भी इन्फेक्ट हो गई थी और एसोसिएशन वालों ने उसे क्वारंटीन कर दिया था। सबको पता था कि वो मॉडल ही क्योर है, तो डॉक्टर कोरुसावा ने उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, यानी कि वही जॉम्बी हंटर एसोसिएशन का राइट हैंड, यानी कि वो साइंटिस्ट। लेकिन अब वो मॉडल कैसी है, कहाँ है, ये किसी को भी नहीं मालूम और डिटेक्टिव को अब ये खुद ही ढूंढना होगा। अब एक दिन और बीत जाता और मीकू के पास थे सिर्फ 36 घंटे, लेकिन मीकू के पीछे जापान जॉम्बी एसोसिएशन के समुराई और फाइटर वगैरह उसे मारने के लिए पड़े होते हैं। मीकू को से भागते और बचते हुए रात हो जाती है। अभी तक उस रशियन मॉडल का एड्रेस भी नहीं मिला होता है और अब मीकू के पास सिर्फ 21 घंटे ही बचे हुए थे। अब मीकू में जॉम्बी वायरस का असर दिखने लग गया था। वो रात में ही टहलते हुए अपनी बड़ी सी होर्डिंग को देखती है और रोने लगती है। उसे याद आता है कि उसकी पार्टनर कितनी अच्छी थी, जिसे वो अक्सर डांटा करती थी। आखिरी कुछ वक्त बचे होने के कारण वो डिटेक्टिव को कहती है कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाए जो काफी शांत और पीसफुल हो। डिटेक्टिव ऐसे में उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां मीकू का फ्रेंड आया हुआ था, पर जॉम्बी यहां पर उसे अटैक कर देते हैं एंड मीकू के फ्रेंड को काट कर मार डालते हैं। ये देखते ही मीकू तेजी से वहां से निकल लेती है। मीकू भागते हुए किरासाकी से टकरा जाती है जो जॉम्बीज को मार रही होती है। वो खुद को उसकी फैन बोलकर इंट्रोड्यूस करती है और उसे साथ चलने को कहती है। डिटेक्टिव साथ में था तो वो उसे मना करता है कि मीकू को उसके साथ नहीं जाना चाहिए और डिटेक्टिव किरासाकी से उसकी इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो किरासाकी बताती है कि 6 महीने पहले उसे भी जॉम्बी ने काट लिया था, तो ऐसे में एक मॉडल के ब्लड से उसकी जान बची और वो ठीक हो गई। बस ये सुनकर मीकू बोलती है चलो जिंदा रहने की उम्मीद तो मिली, और इसके बाद ये किरासाकी के साथ एसोसिएशन पहुंच जाती है। अंदर आते ही हमें दिखता है कि सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं और डॉक्टर भी साफ हो चुका है। अब सामने टीवी पर डॉक्टर की वीडियो चल रही होती है जिसमें हम हर जॉम्बी फिल्म की तरह इस पागल डॉक्टर का फेस कैम देख रहे होते हैं। वो बता रहा होता है कि मैंने जॉम्बी आर्मी बना दी है, ये जॉम्बीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनमें दिमाग भी है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पागल डॉक्टर का मन मॉडल को मारकर जॉम्बी क्योर को खत्म करने का था, जिससे पूरी दुनिया पर जॉम्बीज का कब्जा होता। लेकिन एक चीज तुम मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आई कि अगर पूरी दुनिया पर जॉम्बीज का कब्जा होगा तो इससे डॉक्टर का या फिर इस जॉम्बी एसोसिएशन का क्या फायदा होगा। कमेंट अपना जरूर बताना। जॉम्बी फिल्मों का लॉजिक अक्सर ही समुद्र की गहराइयों में छिपा होता है, समझ ही नहीं आता कि कुछ क्यों हो रहा है, बस इंटरेस्टिंग लगती है तो हम लोग देख लेते हैं। वैसे तुम क्यों देखते हो ये भी कमेंट में बताना। बैक टू द वीडियो, तो बस ये लोग टीवी देख ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से भागते हुए जॉम्बीज की एंट्री होती है। अब ये जॉम्बी समझदार होते हैं, ये कंप्यूटर भी यूज कर रहे होते हैं और ये सब चल ही रहा होता है कि एक समझदार जॉम्बी वहां आ जाता है जो खुद भी एक जॉम्बी हंटर थी। अब वो किरासाकी को मारने लगती है, लेकिन किरासाकी भी हार नहीं मानती और उसे मार देती है। कहना पड़ेगा कि ये छोरी काफी तगड़ी है। इसके बाद गेम की तरह ही अगला दुश्मन इन्हें एक बचर मिलता है, जिससे मीकू लड़ने लगता और जैसे तैसे करके मार देती है। इसके बाद आता है समझदार जॉम्बीज का बॉस, आई मीन धरती पर बोझ, जिसके पास मशीन गन होती है। अब यहाँ डिटेक्टिव खुद में बॉम्ब लगाकर सब कुछ उड़ा देता है। मीकू अब यहाँ तेजी से भागते हुए मॉडल को ढूंढने जाती है और किरासाकी ने कंप्यूटर ऑपरेटेड डोर को भी हैक करके खोल दिया होता है, जिसके पीछे वही रशियन मॉडल न्यूड होकर बैठी हुई होती है। ये भाई गेम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस पर तो गेम बन भी सकती है, पता नहीं कौन बनाएगा, अगर तुम लोग को इंटरेस्ट है तो बना देना। खैर रशियन मॉडल को जिंदा देखकर सभी रिलैक्स हो जाते हैं और उसे वहां से बाहर निकालते हैं। इसके बाद मीकू मॉडल के ब्लड को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है ताकि वो ठीक हो जाए। अब दोनों लड़कियां मॉडल को लेकर बाहर आ रही होती है कि तभी ऊपर से जॉम्बी फिर से अटैक करते हैं, पर इस बार मीकू की बैंडमेट्स जो दोनों पार्टनर्स थी वो आकर मीकू को बचा लेती है, क्योंकि वो लड़कियां अब जॉम्बी हंटर बन चुकी हैं और वो लोग सर्वाइव कर चुकी हैं। और बस इसी के साथ ये टोक्यो लिविंग डेड फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। बाकी अगर फिर भी तुम्हें कोई लेटेस्ट मूवी या फिल्म से अपडेटेड रहना है तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय।